टॉपिक तो यह है। सत्य ग्राउंड रिपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुमित भारद्वाज, आज मैं पहुंच चुका हूं एमएम राइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरखपुर के अंदर, और यहां हमने देखा कि बहुत सारे विभिन्न किस्मों के पौधे लगाए गए हैं स्कूल के अंदर। तो सबसे पहले हम मिलवाते हैं आपको यहां के डायरेक्टर बलजीत यादव जी से। बलजीत जी, धन्यवाद जी आपका यहाँ स्कूल पहुँचने पर। तो ये स्कूल सर कब से चल रहा आपका? ये स्कूल 2002 में स्टार्ट हुआ था, तो लगभग 18 साल हो चुके हैं। 18 साल से ये स्कूल चला रहे हैं कि डायरेक्टर जी है बलजीत यादव जी। तो काफ़ी सारे पौधे मैंने यहाँ देखे, विभिन्न किस्मों के लगाए हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा जी, ये पौधा पर्यावरण प्रेमी ही कहूँगा मैं इनको, जो काफ़ी लंबे समय से पेड़ पौधे लगाए, काफ़ी लंबे समय से मैं इनको देख रहा हूँ। और मैं ये पूछना चाहूँगा सर, ये कहाँ से आपने स्टार्ट किया था पेड़ पौधे वाला सिस्टम? हम कॉलेज में पढ़ते थे जब 90 के दशक में, तो श्याम नर्सरी होती थी, वहाँ से पौधे लेने शुरू किए थे, जैसे जाते बस में मोटरसाइकिल पर ले आते थे, तो काफ़ी पौधे कामयाब हो गए थे, लेकिन आम का पौधा हम कामयाब नहीं कर पाए। तो आम का पौधा आपने कैसे कामयाब किया? हम जैसे खेत में लगाते थे, ट्यूबवेल्स के पानी थे तो उनसे लगाते, तो वो पौधा जो है ना 1 साल 6 महीने के बाद में जो है ना फिर पानी के हिसाब से ख़राब हो जाता। तो ये पौधे फिर हमने 3 साल पहले स्कूल में लगाए, तो यहाँ नहरी पानी है, तो ये 10 पौधे लगाए थे जिनमें 7 कामयाब हो गए, जिसको आप देख भी रहे हैं लगभग। ये अब की बार पिछली बार फल आया था, झाड़ दिया था, अब की बार का फल लेंगे हम इनको, जिनमें 7 कामयाब कर दिया। 7 पौधे आपने कामयाब किए, उसके बाद में और आपने कितने पौधे लगाए? फिर हमने पिछले साल इन कामयाब को देखते हुए स्कूल के अंदर ही, जैसे कि 2.5 एकड़ का कैंपस है, बाउंड्रीज उस पर जैसे कि छाया के लिए भी हो जाएंगे, 60 पौधे हमने लगा दिए, वो भी चल पड़े हैं, वो छोटे हैं थोड़े। यानी 4-7 पौधे कामयाब होने के बाद में आपने 53 पौधे और लगाए? 53 पौधे और लगाए हैं। और इन पौधों का जैसे आप दिखा रहा हूँ आपको पीछे वीडियो कैमरामैन से कहूंगा कि पौधों को दिखाया, अभी विशाल आकार हो चुका। कितने साल का पौधा सर ये? 3 साल। ये 3 साल का पौधा देखो हो चुका है और उन्होंने अभी फल भी उठाया हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, इससे एक्स्ट्रा आपने स्कूल में और कौन कौन से पौधे लगा रहे हैं? जैसे कि हार सिंगार औषधीय पौधे हैं, जो कि हमें जो है ना औषधि भी देते हैं, बच्चों को भी बताते हैं भाई ये चीज जो है ना आप घर में भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे पौधे। आम का पौधा है, नहरी पंडालो एक पौधा लगा दिया, जामुन लगा लिया, हम फलीय पौधे लगाए, जैसे कि गुलाब के यहाँ आपको दिख रही होगी गैलरी, गुलाब की लगाई हुई है, तो इससे गुलाब जेल भी बनता है, गुलकुंद बनता है, तो हम ऐसे पौधे लगाएं घरों में, किचन गार्डनिंग में भी या खेत में भी, जो फल भी दे, छायादार भी और वातावरण को ऑक्सीजन भी दे। यानी फल भी दे और छायादार भी दे और वातावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधों का अहम योगदान है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतने ही हम शुद्ध हवा में सांस ले सकेंगे। तो ये बताइए, क्या संदेश देना चाहोगे आप हमारे साथियों को? मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, पौधा तो कोई भी हो लगाए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फलीय पौधे लगाएंगे तो मैं अच्छा ही समझता हूँ कि और भी अच्छी बात है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है फलों के पौधे लगाएं, घरों में लगाएं, जैसे कि बीज है हम वैसे ही जो जामुन के बीज है सड़कों के किनारे पर बगा दें, कहीं की जामुन के नहर के पास जा रहे हैं उनको कलेक्ट कर ले, किसी भी चीज़ का गुठली है चाहे आम की है, नहर के अंदर बगा दिए, जिसमें से बीज गुठली उगा दी तो भी जाम के नेचुरली हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? रेलवे लाइनों पर बगा दे बीज हम, तो बीजों को हम व्यर्थ ना करें, किसी भी चीज़ का चाहे जामुन का है चाहे वो आम का है गुठली, कहीं के हम किनारों पर नहीं दबा सके तो बगा दे, कहीं की मिट्टी करके ना वो जाम है, तो बहुत अच्छी। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन एक और करूंगा सर, आपने शुरू से आखिरी तक आप पर्यावरण प्रेमी रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, तो लगभग स्कूल कैंपस में आपके अनुसार कितने पौधे लग चुके हैं अभी? मेरे पास अगर वैरायटी का जिक्र किया जाए लगभग 120 वैरायटीज हैं फूलों की और जैसे फलों की, 120 वैरायटी है टोटल। टोटल 120 वैरायटियां यहाँ पौधों की, पौधों फूलों की भी है सभी। लगभग हम
ये कितना माने कि लगभग कितने पौधे आपने स्कूल के अंदर लगा चुके हैं स्कूल के अभी अंदर तक? लगभग अगर टोटल काउंटिंग करेंगे तो इनके ऐसे जो फलीय पौधे, तो जैसे आप ये नीचे देखिए फूल आएंगे इनके, इनकी काउंटिंग करें तो ये नहीं पता 5,000 है 7,000 है। लेकिन जो पौधे जैसे कि डेकोरेशन के प्लांट भी हैं वो सारा कुल मिला के 3,000+ पौधे हैं 2.5 एकड़ में। 2.5 एकड़ के अंदर 3,000 पौधे, यानी देखो कितना ये आप शुद्ध दिखाइए, पर्यावरण जैसे स्कूल जैसे के अंदर गुलाब के दिखाई हैं, दे रहा है गुलाब के ही आपको। मेरे पास 800 प्लांट है अकेले ये गुलाब आपको के। देखो मैं गुलाब के प्लांट कुछ दिखाना चाहूँ आपको जिन्होंने लगाए हुए हैं, बहुत ही अच्छी किस्म है ये, देसी गुलाब, देसी देसी गुलाब, गुलाब। देसी गुलाब, हाइब्रिड के अंदर स्मेल नहीं आएगी आपको। तो सर इसका और क्या क्या फायदा है गुलाब का? गुलाब का गुलाब जल बना सकते हैं हम, जो ना बोल लेते हैं इसी को कुछ भी नहीं, पानी में उबाल के ना वो करके कर सकते हैं, गुलकंद बना सकते हैं, हम खुद भी खा सकते हैं, पशुओं को भी दिया जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है गुलाब के तो अनेकों फायदे। जब हवा इधर से चलती है तो बच्चों को सीधी जाके ना आपको समय ला ही दिया, देखी बिल्कुल दे देसी बिल्कुल, गुलाब। यानी देसी गुलाब के पौधे भी उन्होंने अच्छे तरीके से ये कैंपस फाइकस है, जैसे ये में, फाइकस है। फाइकिस का पौधा के बारे में बताएंगे। हाँ हाँ जी बताइए, कब कितने पौधे फाइकिस के लगभग स्कूल फाइकस कैंपस के में? अंदर लगभग 150 पौधे हैं। 150 पौधे। हाँ फाइकस के, तो फाइकिस ये बताइए पौधे फाइकस में लगभग, बहुत वैरायटियाँ हैं, ब्लैक है, वाइट है, बहुत सी वैरायटियाँ बताते हैं साइंटिस्ट, इतनी इतनी नॉलेज। मैं तो बल्कि ये करता हूँ कि अब तो आपकी बार तो स्कूल बंद ही रहे हैं तो प्लेट लगाता हूँ इन वैरायटीज़ पे कि कंप्यूटर से निकाले ये पौधा इस चीज़ का, बच्चों को प्रैक्टिकल पहचान हो जाएगी, ये गुलाब है हम किताब में पढ़ा रहे नहीं पता लगेगा, बिल्कुल जी अगर वो बिल्कुल। प्रैक्टिकल देख ला जिंदगी में नहीं भूलेगा, ये आम है ये गुलाब है, तो हम इनके हम तख्ती लगा देते हैं प्लेट और उनके ऊपर टाइप करके लिखते हैं फ्लावर वैरायटी का, तो 150-200 की जानकारी तो बायोलॉजी के अंदर है, बच्चों को डायरेक्टली पता लगे कि ये 200 पौधे किताब में देखने जरूरत पहचान लेंगे इसको, ये फला चीज का बिल्कुल पौधा। देखो कितनी अच्छी बात है, यदि पेड़ पौधों को हाँ बच्चे हाँ देखेंगे तो बहुत ज्यादा सीखेंगे आप और इधर से इससे दिखाएंगे, मोटिवेट भी होंगे। आप इधर से दिखाइए, जैसे सरसों है, गेहूं है बिल्कुल खेत जी पड़ोसी, क्योंकि सारा सराउंडिंग खेत का है, बच्चों को जैसे कि आजकल जो होना है किसानों के बच्चों को भी ये नहीं पता कि ये फसल इस चीज की है, बिल्कुल तो बिल्कुल, प्रैक्टिकल अगर जितना भी कराया जाए बच्चों को वो बहुत अच्छी बात है यानी कि स्कूल में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल पे आपने जोर दे रखा है और प्रैक्टिकल से ही हम बच्चों को हाँ और भी ज्यादा शिक्षा दे सकते हैं इस हाँ मामले हाँ में। भाई 200 वैरायटीज का हमें पता लग गया, बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा, आगे 202 सीखेगा, कहीं भी ये पूछेगा ये सीजन है ये बेरी है ये फला है, इंटरेस्ट बन जाएगा तो ऑटोमेटिक आगे बायोलॉजी में बच्चों को काम आएगा। बिल्कुल, तो भी चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाइए और पर्यावरण प्रेमी बनिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के बाद में हम शुद्ध हवा में सांस ले सकेंगे और आने वाला ये प्रदूषण स्तर कितना बढ़ चुका है उसको यदि दबाना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे हमें लगाने हुए। एक सच जो आज हमने आपको दिखाया, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा, इस टाइम का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जो है ना और खबरें भड़काऊ खबरें फलानी खबरें देते हैं, आप प्रेरणा जैसी खबरें दे रहे हैं, तो मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ये लोगों तक पहुंचे और इन चीजों पर जाए, ज्यादा भड़काऊ उन पर ना करें, पॉजिटिविटी दिखाएं, तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।